हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज है 17 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट में 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन जो पूछे गए थे आज आपसे, जीके, साइंस, करंट अफेयर और कंप्यूटर के, वो सभी क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को आपने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ऑन कर लें। रोज़ाना दिल्ली पुलिस सटीक एनालिसिस सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एक कि भारत में जो पहली औद्योगिक नीति है इसकी घोषणा कब की गई थी। देखिए दोस्तों, भारत में जो पहली औद्योगिक नीति की घोषणा है ये दोस्तों स्वतंत्रता के बाद 1948 में की गई थी। इसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रस्तुत किया था, तो ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे अगर ये पूछ लिया आने वाले शिफ्टों में कि जो घोषणा की गई थी भारत की पहली औद्योगिक नीति की स्वतंत्रता के बाद 1948 में, इसको प्रस्तुत किसने किया था, तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसे प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 11वीं शताब्दी के रानी की वाव ये आपका कहाँ पे लोकेटेड है। रानी की वाव की बात करें तो ये भारत के गुजरात राज्य के पाटन शहर में स्थित एक बावड़ी है। यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसके निर्माण का श्रेय सौराष्ट्र के खेंगारा की बेटी जो उदयमती जो है ना, इनको दिया जाता है, जो 11वीं शताब्दी के चालुक्य राजा भीम प्रथम की रानी और पत्नी थी। ठीक है, तो आपसे बेसिकली सिंपल ही पूछा था कि रानी की वाव कहाँ पे है, तो गुजरात राज्य के पाटन शहर में है। अगला क्वेश्चन आया था 2011 जनगणना जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है ना, वो कहाँ पे है। आपसे पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो आने वाले शिफ्ट में पूछ ले कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आप कहोगे अंडमान और निकोबार द्वीप। और जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक अगर अपने बात करें 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, तो वो है आपका बिहार राज्य का। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, यूपी है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है आपका सिक्किम। अगला क्वेश्चन आया था शारदा अधिनियम, ये आपका किससे संबंधित है। देखिए, बाल विवाह निषेध अधिनियम 28 सितंबर 1929 को पारित एक विधायी अधिनियम था। इस अधिनियम ने लड़कियों के लिए विवाह योग्य आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की। इसके प्रायोजक हरविलास शारदा के बाद इसे शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। बाकी आप विकल्प में बताइएगा विकल्प इसका क्या दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत की न्यायपालिका से, कि न्यायपालिका से संबंधित कोई एक स्टेटमेंट दिया था वो आपको करेक्ट करना था। तो भारतीय न्यायपालिका कॉमन लॉ पर आधारित प्रणाली है। यह प्रणाली अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासन के समय बनाई थी। इस प्रणाली को आम कानून व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, जिसमें न्यायाधीश, ठीक है, और यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपको दिया गया था। ठीक है, वो अपने आगे देखेंगे क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या था। अगला क्वेश्चन आया था अर्जुन पुरस्कार 2021 कितने लोगों को दिया गया, तो टोटल 35 जनों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। 12 जनों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है 2021 में। आपसे पूछा था अर्जुन पुरस्कार, तो ये करेक्ट हो जाएगा, 35 खिलाड़ियों को मिला है अर्जुन अवार्ड 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था होली कौन से महीने में खेली जाती है। जो आपका होली रंगों का जो त्यौहार है, ये फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होली का त्यौहार मनाया जाता है। तो यहाँ पे फाल्गुन मास की पूर्णिमा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आप सभी के लिए कमेंट में क्वेश्चन आंसर करना, आप सभी को क्वेश्चन रहेगा कि लठ मार जो होली है ये कहाँ पे खेली जाती है। इसका आंसर जिनको भी मालूम है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आया था कंप्यूटर से फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की आपसे पूछी गई थी, तो कंट्रोल प्लस एस ये होती है फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की। एक आया था ऊपर के पेज में जाने की शॉर्टकट की क्या है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन बताना क्या था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हिमालय पर्वत श्रेणी किसका उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया था। देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणी उदाहरण पूछा गया था किसका उदाहरण है, तो आसान क्वेश्चन वलित पर्वत ऑप्शन में दिया था, वही करेक्ट होगा। जो वलित पर्वत है ना,
ये दोस्तों भारत में हिमालय पर्वत जो श्रेणी है ये वलित का ही उदाहरण है, तो वलित पर्वत आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 2021 में स्वास्थ्य मंत्री कौन है। अब देखिए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं, मांडविया हैं अभी वर्तमान में, और इनके साथ 2021 में डॉक्टर भारती प्रवीण पवार भी थे ये स्वास्थ्य मंत्री 2021 में, और डॉक्टर हर्षवर्धन भी थे। तो बताइएगा दोस्तों भारती प्रवीण पवार ऑप्शन में था, हर्षवर्धन जी ऑप्शन में थे, या फिर मनसुख मंडाविया ऑप्शन में था। 2021 का आपसे जो स्वास्थ्य मंत्री पूछा उसमें ऑप्शन क्या दिया गया था तीनों में से, ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में वीडियो को शेयर करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ऐसा ही वीडियो रोज़ाना सबसे पहले देखने के लिए। एक क्वेश्चन आया था पल्लव राजवंश से संबंधित कौन सा वंश नहीं है, तो यहाँ पे दिया गया था दोस्तों हर्षवर्धन का नाम ऑप्शन में। तो हर्षवर्धन आपको पता है ये पल्लव राजवंश से नहीं थे, ये पुष्यभूति वंश से थे, तो यहाँ पे हर्षवर्धन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन आया था भारत की न्यायपालिका के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिया गया है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि न्यायपालिका के स्टेटमेंट से क्वेश्चन आया था जिसमें न्यायपालिका के संदर्भ में एक स्टेटमेंट आपको करेक्ट करना था, जिसमें एक स्टेटमेंट आया था किसी भी दबाव में ये काम नहीं करता है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है न्यायपालिका के बारे में ये बिल्कुल करेक्ट है, जो भारत की न्यायपालिका है ना ये किसी भी दबाव में काम नहीं करता है, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट न्यायपालिका के बारे में बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आया था एक आपका ग्लासगो सम्मेलन से, तो यहाँ पे देखिए 2021 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जिसे आम तौर पर COP26 के रूप में जाना जाता है, ये 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था जो 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2021 तक ग्लासगो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में SEC केंद्र में आयोजित किया गया था। सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री उस समय के आलोक शर्मा, ये उस समय दोस्तों अध्यक्ष थे ब्रिटेन कैबिनेट में, और इन्होंने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी, ध्यान रखिएगा। और ये जो है ना ये 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था जो कि आपका 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2021 ग्लासगो स्कॉटलैंड में मनाया गया था, ठीक है। एक आया था कंट्रोल प्लस टैब एक टेबल से दूसरे टेबल में जाने की शॉर्टकट की आपसे पूछी गई थी, तो ठीक है। और एक यहाँ पे ऑल्ट प्लस टैब एक विंडो से दूसरे विंडोज में जाने की शॉर्टकट की होती है, एक टेबल से दूसरे टेबल में जाने के लिए तो कंट्रोल प्लस टैब दबाते हैं, अगर हमें एक विंडो से दूसरे विंडो में जाना है तब हम करेंगे ऑल्ट प्लस टैब। इसी प्रकार सुपर स्क्रिप्ट किसकी शॉर्टकट की है, तो ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस की होती है। सबसे ज़्यादा सर्च करने वाली वेबसाइट कौन सी है ये भी आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो ये थे आज के सभी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के, कुछ और क्वेश्चन अगर आपको याद होते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा मेरे को, उनको मैं ऑल शिफ्ट में कवर कर लूँगा। अब मिलेंगे अपने अगले शिफ्ट के साथ, जय हिंद जय भारत।